तो ये देख सकते हो आप टाटा पंच जो कि सीएनजी वेरिएंट लॉन्च किया है ऑटो एक्सपो में टाटा ने। देखने में बिल्कुल एज इट इज़ है, सामने वही सारा फ्रंट वही चीज़ दे रखी है, आगे इन्होंने ICNG मॉडल नाम दिया है इसको। अंदर भी देख लेते हैं और फिर इसके बाद इसका बैक भी देख लेते हैं क्या है। अंदर देख सकते हो आप प्रॉपर वही चीज़ मिल रही है आपको जो कि एक नॉर्मल पंच में मिल रही है। यहाँ पे CNG का आपको स्विच दे दिया है, CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG में स्विच करने के लिए। पर सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि आपको सनरूफ भी दिया है, ये वही सारी चीज़ें हैं, साइड प्रोफाइल वही है, लेकिन अलॉय भी लगभग वही है। पीछे देख सकते हो ये रहा, टाटा ने वो चीज़ करके दिखाई है जो किसी ने भी नहीं किया है। इसमें आपको दो सिलेंडर मिल जाते हैं CNG के, उसके बावजूद भी आपको इतना सारा बूट स्पेस मिल रहा है, तो ये टाटा ने करके दिखाया, अभी तक किसी भी कंपनी ने किया नहीं किया है, तो इसलिए थम्सअप जाता है टाटा को कि इतना अच्छा वर्क किया है उसने। तो ये देख सकते हो आप, दूसरी और दिखा देता हूँ मैं, उधर चलते हैं। अल्ट्रोज खड़ी है सेम CNG में। एक्चुअली क्या है कि टाटा ने इस चीज़ पे काम इसलिए किया है कि लोग इंडिया वाले जो लोग हैं ना, उन्हें वो छोटी छोटी चीज़ों से पंच नहीं मिलता, उसे चाहिए बड़ा, तो टाटा ने सोचा कि हम भी बड़ा ही करते हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत कुछ बड़ा कर दिया है। तो ये देख सकते हो अल्ट्रोज सेम वही है, बट इसको ICNG मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है, CNG वेरियंट बना दिया है। ये कुछ ही टाइम में मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा, वही अंदर से वही सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको एक जो नॉर्मल डीजल पेट्रोल कार में मिल रही थी, बट इसमें भी एक सेम चीज़ की गई है कि ऊपर देख सकते हो आपको सनरूफ दे दिया है, जो आज की सबसे बड़ी नीड बन चुकी है लोगों की, क्योंकि लोगों को क्या है कि शो ऑफ भी हो गया है, थोड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में। तो एक बार बैक में देखते हैं इसमें क्या किया है। ये देखो सेम पंच की तरह इसमें भी दो सिलेंडर दिए हैं कंपनी ने, तो टाटा ने वही चीज करके दिखा दिया कि ये दिल मांगे मोर, उस चीज को टाटा ने कंप्लीट कर दिया है। इसके टायर की प्लेसमेंट है वो जैसे SUV गाड़ियों में फॉर्च्यूनर वगैरह में जैसे अपने को नीचे मिलती है, तो वहां पे कर दिया है, देख सकते हो आप। ये है टाटा अल्ट्रोज का रेसर मॉडल लॉन्च किया है टाटा ने ऑटो एक्सपो 2023 में। तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, जैसे कि जो आपका हुड है वो आपको ब्लैक में प्लस वाइट स्ट्रिप दी गई है बोनट पे, बाकी आगे और कोई चीज चेंज नहीं की गई है। साइड प्रोफाइल से देखते हैं, यहाँ पे रेसर की बेजिंग दी गई है एक्स्ट्रा आपको। अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो कलर है वो अब आपको ब्लैक मिलता है, बजाय कि जो क्रोम मेटल मिल रहा था। अंदर देख सकते हैं इस बार अंदर भी आपको क्या किया गया है, रेड स्ट्रिप्स दी गई हैं, सीट्स पे दिया गया है, इधर गियर नॉब पे दिया है, स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी कर दी है, पहले से लगभग बड़ी है, देख सकते हो सीट कवर्स दिए रखे हैं इसमें। बैक सीट की तरफ देखते हैं तो सेम वही चीज़ है, इसमें भी आपको स्ट्रिप दी गई है सीट्स पे। तो देख सकते हो आप इसका रूफ टॉप भी पियानो ब्लैक फिनिश में इतना सुंदर लग रहा है, उसके साथ इन्होंने ग्राफिक्स का डिज़ाइन किया है, शार्क फिन एंटीना है वही पियानो ब्लैक फिनिश में। एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हो आपको इसमें सनरूफ भी अवेलेबल है, पीछे देख सकते हो कितना अच्छा आपको स्पॉइलर दिया हुआ है, बिल्कुल स्पोर्टी लुक में दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो।